वेलकम एवरीवन, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि आप किस तरीके से एक नंबर का स्क्वायर बहुत इजीली निकाल सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक नंबर यहाँ पर ले रही हूँ, 42 का होल स्क्वायर। अब देखो, वैसे तो 1 से लेकर 20 तक आप इजीली लर्न कर सकते हो, क्योंकि बहुत छोटे छोटे नंबर्स होते हैं लर्न करने के लिए। लेकिन जो बड़े बड़े नंबर्स होते हैं उनके लर्न करने में थोड़ी डिफ़िकल्टी आती है, और सॉल्व करने के लिए भी मेथड्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो मेथड्स में बेसिकली, अब जिनको नहीं पता होता वो क्या करते हैं, इनको डबल मल्टीप्लाई करने लग जाते हैं। अब डबल मल्टीप्लाई हम कितने बड़े नंबर्स को कर सकते हैं, उससे कई बार कैलकुलेशन हमारी गड़बड़ हो जाती है और टाइम भी कंज्यूम होता है। तो इसलिए एक इजी वे हमारे पास होना ज़रूरी है, तो इसीलिए एक वे मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। अगर ये 42 का हम होल स्क्वायर यहाँ पर निकाल रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इनमें दोनों का डिजिट्स हैं तो दोनों को हम ए और बी कंसीडर करेंगे, यूनिट प्लेस एंड टेंस प्लेस। ठीक है, तो हमने टेंस प्लेस को ए कंसीडर कर लिया और यूनिट प्लेस को बी कंसीडर कर लिया। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं इसमें, कि हम इसमें करेंगे कि ए स्क्वायर मल्टीप्लाई 100, देन 2 मल्टीप्लाई ए इंटू बी इंटू 10, देन बी स्क्वायर इंटू 1। नाउ इनको हम सॉल्व करेंगे। ए क्या है हमारे पास, 4, तो 4 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 100 होगा। 2 मल्टीप्लाई ए क्या है, 4, बी क्या है, 2, देन 10। बी का स्क्वायर क्या था, मतलब बी की वैल्यू क्या है, 2, तो 2 का स्क्वायर और 1। नाउ इनको हम लास्ट, अब यहां से इन वैल्यूज के अकॉर्डिंग हम सॉल्व कर देंगे। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, और 16 को जब आप 100 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, 1600। 2 4 जो क्या होता है, 8 8, 2 जो 16, एंड 16 को जब आप 10 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, 160। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, और 4 पंजा 4। अब आप एक बात सोच रहे होगे, जिनको नहीं पता 10 और 100 इस तरीके की वैल्यू मैंने कैसे इजीली मल्टीप्लाई कर दी बिना कहीं पर प्रॉपर सॉल्व किए, तो बहुत ईजी है, आप लोग भी कर सकते हो। जिनको पता है उनको तो बहुत ईजी है उनके लिए, और अच्छा भी है। लेकिन जिनको नहीं पता है उसके लिए बता देता हूँ मैं। तो होता क्या है, जब आप इस तरीके के कोई नंबर्स होते हैं, हंड्रेड्स वाले, हंड्रेड्स हो गया, थाउजेंड हो गया, जितने भी जीरोज वाले ऐसे नंबर होते हैं, तो हम क्या करते हैं, जीरो, क्योंकि आपको पता है किसी भी नंबर को आप जीरो से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको जीरो ही मिलना है। तो हम क्या करते हैं, जो जीरो होती है ना, जितनी भी जीरो होती है पूरे मल्टीप्लीकेशन के सामने, उतनी जीरो को काउंट करके हम लिख देते हैं, और डायरेक्टली जीरो के अलावा जितने नंबर बचते हैं सिर्फ उनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो सेम ऐसे ही मैंने यहाँ पर किया। 4 का स्क्वायर तो मुझे पता ही था, यहाँ पर 4 का तो निकालना ही है, कितना, 16, और 16 मल्टीप्लाई 100 करना था, तो 16 तो होगा ही होगा, साथ ही साथ इस 100 में जीरो के अलावा 1 बचा हुआ है, तो 16 बन जा 16 कर दिया, और जितनी जीरो थी, 20 थी, तो 20 मैंने लगा दी। इसी तरीके से अगर 100 के अलावा अगर यहाँ पर 200, 300, 1500 ऐसा कुछ भी नंबर होता, तो हम तब भी ऐसे ही करते कि जितनी जीरोज होती, या 1000 में भी अगर होता कि 5000 अगर होता, तो जितनी जीरो होती उतनी जीरो काउंट करके लिख देते, और जीरो के अलावा जो नंबर होता उसको डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई कर देते। ठीक है, आई होप इतना समझ में आ गया होगा। तो हम क्या कर रहे थे कि इसमें हमने इनको कैलकुलेट कर लिया था, अब हमें लास्ट में क्या करना है, इन सबको ऐड करना है। ऐड कर देंगे इन सबको, जीरो प्लस जीरो प्लस 4 कितना होगा, 4, जीरो प्लस 6 6 6 प्लस 1 7 एंड 1। तो ये हमारा आंसर हो गया किसका, 42 के स्क्वायर का। ठीक है, एक और एग्जांपल लेकर देखते हैं। नेक्स्ट मैं लेती हूँ यहाँ पर, जैसे मैंने लिया 86 का होल स्क्वायर, तो 86 में भी ऐसे ही करूँगी मैं। मैंने क्या किया, यूनिट प्लेस से काउंट करना शुरू करूंगी बी, और बाकी का जो बच गया ए। ठीक है, ए की वैल्यू क्या है, मैं अब ये फॉर्मूला नहीं लिख रही हूँ, मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रही हूँ। ए की मुझे पता है ए स्क्वायर इंटू 100 करना है, तो ए मेरा क्या है यहाँ पर, 8, तो मैं क्या करूँगी, 8 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई 100 करूँगी। नेक्स्ट क्या था कि 2
मल्टीप्लाई ए की वैल्यू थी 8, बी की वैल्यू 6, देन 10 मल्टीप्लाई, फिर क्या करना था, बी का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई 1। तो अब इनको सॉल्व कर देंगे, 8 का स्क्वायर 64 मल्टीप्लाई 100 2। अब क्योंकि बड़े नंबर आ गए तो मैं थोड़ा सॉल्व करके यहाँ पे लिख रही हूँ, 2 8 16 एंड 16 6 96, तो 96 इंटू 10 हो गया, 6 6 36, 6 6 36 ही होगा ना, 6 का स्क्वायर 36 तो 1। ठीक है, अब लास्ट इनको सॉल्व कर दो, 6400 एंड 960 और 36। नाउ इन सबको ऐड करेंगे, 0 + 0 + 6 0 + 6 + 3 कितना होगा 9, 4 + 9 कितना होगा 13 और 1 कैरी, 6 + 1 7। तो ये मेरा आंसर आ गया किसका, 86 के स्क्वायर का। अब एक थोड़ा सा एक मैं बड़ा नंबर ले रही हूँ जिससे आपको ये अंडरस्टैंड हो जाएगा कि आप सिर्फ 100 तक के नंबर्स का नहीं, आप उससे ऊपर भी अगर किसी नंबर का निकालने की कोशिश कर रहे हो इस फॉर्मूले के बेस पर, तो आप वो भी निकाल सकते हो। तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ 114, ठीक है, 114 अभी मैं ले रही हूँ यहाँ पर। 114 में भी यही करना है मेरे को, क्या करना था, मैंने बोला था यूनिट प्लेस जो होगी उसको हम पहले लेंगे, बी कंसीडर हमने कर लिया, बाकी का जो बच गया वो ए हमने कंसीडर कर लिया। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, ए और बी इसी तरीके से हम लेंगे जैसे हमने वैल्यू ली थी। तो ए हमारा क्या था, 11, तो 11 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 100, देन 2 इंटू ए यानी कि 11 इंटू बी यानी 4, देन 10। बी का स्क्वायर क्या है, बी की वैल्यू क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 होगा। अब इनको सॉल्व कर लेंगे। अब 11 का मैंने बोला था कि 20 तक के तो आप इजीली लर्न कर सकते हो, तो आप लर्न कर लोगे, बहुत अच्छा होगा क्योंकि कैलकुलेशन और इजी हो जाएगी उससे। 11 का स्क्वायर होता है 121 मल्टीप्लाई 100, 2 11 जा 22 एंड 22 4 जा 88, 88 मल्टीप्लाई 10, 4 4 जा 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, देन 1। लास्ट में अब दोबारा से इनकी लास्ट कैलकुलेशन बची है वो कर देंगे, क्या होगा यहाँ पर, 12100 ये आंसर होगा, 88 एंड 0 ये आंसर होगा, और इसका 16। अब देखो एक चीज है ऐड करने के लिए कि आप या तो नंबर्स को ऐसे ही डायरेक्टली सीक्वेंस में ऐड लिख लो ताकि आप इजीली ऐड कर पाओ, अगर आपको कैलकुलेशन में एडिशन में थोड़ा सा डिफिकल्टी है, क्योंकि मुझे पता है कि ये जो वीडियो है वो जूनियर क्लासेस के बच्चे भी देख रहे होंगे जिनके लिए हेल्पफुल होगी, ठीक है, तो उनको थोड़ा सा डिफ़िकल्टी आती है कैलकुलेशन में कि उनको सीक्वेंस में पूरा अरेंज करके तब करते हैं वो, तो डिपेंड करता है आपकी कैलकुलेशन किस तरीके की है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप इसको ऐड कर सकते हो। अगर आप ऐसे इजीली कर सकते हो तो आप इसे सीक्वेंस में कर लो, नहीं कर सकते हो अगर, मतलब अगर थोड़ी सी अच्छी कैलकुलेशन है तो आप रैंडम नंबर भी लिख सकते हो, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए आप ये कैसे कर रहे हो, आपकी कैलकुलेशन गड़बड़ नहीं होनी चाहिए उसकी वजह से। अगर आपको ऐसे करने में प्रॉब्लम है तो आपको जैसे सूटेबल लगता है उस तरीके से कैलकुलेशन अपनी करके फाइनल आंसर निकाल सकते हो, लेकिन थोड़ा सीक्वेंस का ज़रूर याद रखें चाहे आप कैसे भी कर रहे हो, ताकि आपकी कैलकुलेशन गलत ना हो और टाइम एक्स्ट्रा ना लगे। तो हम क्या कर रहे थे, अब इसे हमें ऐड करना था, 0 + 0 + 6 कितना होना था 6, 0 + 8 + 1 कितना होगा 9, 1 + 8 9, 2 और 1, तो मेरा फाइनल आंसर ये हो जाएगा किसका स्क्वायर, 114 का। तो आपने ये देखा कि ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ इन्हीं नंबर्स का निकाल पाओ, यानी कि अप टू 100 तक का ही निकाल पाओ इस मेथड के थ्रू, आप मोर देन 100
के नंबर्स जो होते हैं उनसे भी आप इनकी मतलब उन वैल्यू उन नंबर्स की भी आप इसमें वैल्यू निकाल सकते हो। आई होप इस मेथड से आप इजीली फाइंड आउट कर पाओगे और इजी ये लगा होगा। पीछे से थोड़ा नॉइस ज़्यादा था तो हो सकता है थोड़ी डिस्टर्बेंस आपको लगी हो, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, आपको मेथड इजी लगा होगा और इसमें मेथड को आप इम्प्लीमेंट करोगे। और एक होमवर्क क्वेश्चन आपके लिए ज़रूर मैं छोड़ूंगी, ये आपको कमेंट बॉक्स में दो होमवर्क क्वेश्चन है जिनके आपको आंसर देने हैं। आपको बताना है 124 का स्क्वायर एंड लिख देती हूँ इसको, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, 124 का स्क्वायर एंड 87 का स्क्वायर। तो ये दो क्वेश्चन मैं होमवर्क क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रही हूँ, आप इस मेथड को इम्प्लीमेंट करके इन दो क्वेश्चंस के आंसर करके बताओ। और भी आप क्वेश्चन अपनी प्रैक्टिस के लिए आप अपने रजिस्टर में नोटबुक में घर पे प्रैक्टिस करके देख सकते हो। सो थैंक यू।